गाइस, व्हाटएवर डाउट्स यू हैव टिल एसएन वन एसएन टू, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, पहले वो कर लेंगे, और अगर डाउट्स नहीं होगा देन आई विल टेल यू जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ सर, कि जो साइनाइड आयन है उसमें दो डोनर साइट्स रहते हैं, तो सर आपने वीडियो में उसका एक बार रिएक्शन करवाया था आरसीएल के साथ, सिल्वर साइनाइड का, हाँ तो सर उसमें दो प्रोडक्ट्स बनते हैं आरसीएन और आरएनसी, तो हाँ आपने सर एजी के लिए मेजर प्रोडक्ट आरएनसी बोला था, और केसीएन जब होता है तो मेजर प्रोडक्ट आपने आरसीएन बोला था, गाइस, तो सर उसका रीजन क्या होगा? इसका भी जो डाउट है, अगर हम 10+2 लेवल पे बात करें, 10+2 लेवल का मतलब है एनसीईआरटी सिलेबस पे, तो आर सी एल का रिएक्शन जब भी एजीसीएम के साथ देते हैं, ये एनसीईआरटी लेवल पे बोल रहा हूं मैं, तो आर एन सी ये मेजर प्रोडक्ट होगा और आर सी एन विल बी दी माइनर प्रोडक्ट। इसी में आर सी एल वेन ट्रीटेड विद के सी एन, बिकॉज सी एन माइनस का सोर्स चाहिए ना आपको, तो सी एन माइनस का सोर्स आपने के सी एन ले लिया यहाँ पर, इन दैट केस आर सी एन विल बी दी मेजर प्रोडक्ट और आर एन सी विल बी दी माइनर प्रोडक्ट। गाइस, ये सब इतना आसान नहीं है, बट फिर भी जैसे मैंने बोला ना, 10+2 लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन पे नहीं जाना है। ये तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में हम फजांस रूल पढ़ते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो फजांस रूल के जो फैक्टर्स होते हैं ना, फजांस रूल होता किसके लिए है, देयर विल बी आयोनिक मॉलिक्यूल और उसके अंदर तुम्हें चेक करना होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। आई बिलीव आपको याद होगा ये सब, यस सर, राइट ना? देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल आयोनिक कैरेक्टर और एक होगा आयोनिक मॉलिक्यूल कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर मॉलिक्यूल आयोनिक है और कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो फजांस रूल, ठीक है? और अगर तुम्हें कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिया और आयनिक कैरेक्टर निकालना होगा तो डाइपोल मोमेंट, राइट? ये दो डिफरेंसेस हैं। तो इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर आता है वो शेयरिंग के लिए है, शेयरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी शेयरिंग बढ़ता कैसे, तो फैक्टर्स आपको बताते हैं, साइज आप कैटायन का चेक करते हैं, राइट? चार्ज डेंसिटी चेक करते हैं, फिर एक 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 आपका आता है, अगर आप रिकॉल करो, जिसको आप बोल सकते हैं लाइक कंप्लीट जो ये डी वाला शेल, अगर आप याद करो जैसे एजी प्लस या फिर सीयू प्लस के लिए, इनमें जो जो पेनल्टीमेट शेल होगा वो फिल्ड होता है, राइट? बिकॉज ऑफ दैट इनका जो ये चार्ज डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, जो जो अट्रैक्शन फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आयन वो बढ़ जाएगा, तो ये जो पोलराइजेशन होता है एन आयन का वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर एन आयन ज्यादा पोलराइज हो गया कैटायन की तरफ, तो यही होती है शेयरिंग। अगर आप थोड़ा बहुत पे रिकॉल करें एजी प्लस यू प्लस जैसे एग्जाम्पल्स, तो हाँ, तो एजीसीएन इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, जबकि केसीएन आयोनिक कैरेक्टर वाला है, राइट? तो अगर आयोनिक कैरेक्टर वाला है तो सी एन माइनस आपको आसानी से दे देगा, एंड व्हेन इजिली यू गेट सी एन माइनस मीन्स कार्बन इज हैविंग लोन पेयर, सो कार्बन विल अटैक दिस आर सी एल, राइट? सो सी एल विल लीव एंड यू गेट आर सी एन एज द मेजर प्रोडक्ट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और इस वाले में क्या होगा, बिकॉज एजीसीएन इज नॉट रिलीजिंग सी एन माइनस इजिली, सो द फ्री एंड विच इज नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर दैट अटैक्स, एंड वेन नाइट्रोजन अटैक्स मोर चांसेस ऑफ गेटिंग आर एन सी। आई होप यू गॉट माई। यस सर।
डू यू हैव एनी अदर डाउट और शुड आई आस्क? सर आप ही पूछ लो अभी क्वेश्चंस। चलिए तो अभी आप अपनी थियरी वाला पार्ट सारा निकाल करके वॉट एवर नोट्स यू हैव प्रिपेयर्ड एंड आई एम राइटिंग फ्यू क्वेश्चन, फिर उसका डिस्कशन करते हैं और आपका थियरी और स्ट्रांग हो जाएगा। यस, क्वेश्चन सेज राइट ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स एंड ड्रॉ डेल्टा जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ग्राफ फॉर फॉलोइंग सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। सो आई एम गिविंग यू ऑप्शंस फॉर ग्राफ। फर्स्ट ऑप्शन चलिए, शुड आई डिस्कस? सबने सोच लिया गाइस। इफ आई टॉक अबाउट ग्राफ देन फॉर एनी केस इफ यू सी लाइक इफ आई से फर्स्ट ऑप्शन देर आर टू ट्रांजिशन स्टेट्स वन इंटरमीडिएट राइट। सो द रिएक्शन मस्ट टेक प्लेस इन टू स्टेप्स राइट। इफ यू सिलेक्ट द सेकेंड वन then transition states 1 2 3 transition states and two intermediates, that is where reaction must take place in three steps. Same manner like fourth option, the reaction takes place in one step only. Now how do we decide product? Look at the substrate and the reagent. Here reagent is H2O and I have already told you substitution product H2O is considered as a weak nucleophile. Weak nucleophile. And this is alkyl halide. So basically, reaction of alkyl halide with nucleophile. Reaction of alkyl halide with nucleophile, and nucleophile is a weak nucleophile. So weak nucleophile favors what? SN1 reaction or SN2 reaction? Answer is it favors SN1. SN1 reaction is favored, right? So in a general manner, if I write RBr plus H2O, so reaction SN1 reaction says what? RBr first will give you carbocation, and then carbocation is attacked by nucleophile. So in this case ROH plus, because H2O is giving its electron pair to R plus, so oxygen will get a positive charge, and then finally H plus will be released because oxygen cannot hold positive charge. So at the end you get ROH as the product, right? This is the hydrolysis product. Reaction is taking place via SN1 mechanism, via SN1 mechanism, that is carbocation mechanism. Now how many steps? So this is step number one, this is step number two, this is step number three. In normal SN1 reactions, what we say, only two steps. If there is no rearrangement in carbocation, we say two steps. But in this case, even if no rearrangement, you can easily say there are three steps, right? So if there are three steps, what kind of graph will you write? What kind of graph will you draw? Transition state 1, transition state 2, transition state 3. Transition state 1, transition state 2, transition state 3. So this is delta G versus progress of reaction graph. Should I give you another question? Yes, sir. Guys, this is the compound given. This is reacted with KSH and these are the four options. Find the correct option. Done.
यस सर। स्पंदन बेटा तुम्हारा ऑप्शन आया नहीं है, चलिए डिस्कशन कर लेते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाउ डू आई नो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इफ यू सी यू हैव आयोडाइड अटैच्ड हियर, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एल्काइल आयोडाइड, एंड एल्काइल आयोडाइड is treated with KSH. If you see the carbon with which this I is connected, this carbon is a secondary carbon. This is secondary carbon, secondary alkyl halide, and this SH minus is considered as a strong nucleophile, right? Strong nucleophile favors SN1 or SN2. So if you recall factors affecting SN1, SN2, there we talked about strength of the nucleophile. So strong nucleophile favors SN2 reactions. Right? SN2 reaction means what? Inversion occurs. Yes, राइट ना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स तुम्हें क्वेश्चंस में अपने आप समझ में आएंगे कैसे यूज करें। केवल आपको प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ये इट इज SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। इसे प्रीवियस एग्जांपल वाज SN1 रिएक्शन, देयर द न्यूक्लियोफाइल वाज वीक, तो इमीडिएट अपने को स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ SN1 रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पर क्या है, SH- इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इमीडिएट अपने को स्ट्राइक करना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है कि वो SN2 रिएक्शन में जाए। और अगर SN2 रिएक्शन जा रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वाला प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इन्वर्जन वाला बनेगा। अब आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री पिक्चर में कि इन्वर्जन होगा कैसे, मतलब कैसे दिखाएं यहाँ पर इन्वर्जन। तो इन्वर्जन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए आपने इंटरचेंज ऑपरेशन लगाया, रिकॉल करिए, इंटरचेंज ऑपरेशन लगाया और ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस कर लिए तो कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाता है, राइट? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ MN लिख दिया और एक इंटरचेंज किया, किसी भी एक में M और X चेंज कर दिया आपने, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये दो जो होंगे ये एक्चुअली में मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, राइट? इसमें इन्वर्जन आपको दिखेगा। सेम यहां पर जब आप बोलोगे आई विल बी रिप्लेस्ड विद SH, दैट इज ट्रू, बट व्हेन यू राइट प्रोडक्ट यू हैव टू शो इन्वर्जन। सो इन्वर्जन फॉर दिस कार्बन, नॉट फॉर दिस कार्बन। एक और चीज याद रखना, ये नहीं ओवरऑल के लिए वो मिरर इमेज नहीं बनेगा, राइट? मिरर इमेज इन द सेंस आई को अगर आई भी रखेंगे तो भी मिरर इमेज नहीं मिलेंगे हम उसको। केवल इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है। SH- ने अटैक इस कार्बन पे किया है, तो इस कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज कराओगे? इधर यू एक्सचेंज दिस HNCH3 एंड रिप्लेस आई विद SH, राइट? सो ऐसा कोई ऑप्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर ये सेकेंड ऑप्शन आपको वैसा दिख जाएगा, राइट? आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो एक्जैक्टली सेम रखा और इसका केवल आपने कॉन्फ़िगरेशन बदल के SH डाल दिया, राइट? अब अगर आप थर्ड ऑप्शन को जाओगे तो CH3DH हैव केप्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन सेम। सेकेंड वाले के लिए देखोगे तो तुमने SH लगाया आई हटाकर और फिर उसको H के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी कि एक्सचेंज कर दिया वन इंटरचेंज। इसका मतलब है कि यहां भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। सो थर्ड ऑप्शन विल आल्सो बी सिलेक्टेड एज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वाले में क्या किया, फर्स्ट का भी चेंज नहीं किया कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड का भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया, तो ये आंसर नहीं हो सकता इवन दो सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, सब लोग फटाफट कॉपी कर लो। Have you copied this?
यस वेरी गुड गाइस. वन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस वन. The alkyl halide is secondary and nucleophile is KSH, that is SH minus, a strong nucleophile. So an important conclusion you can write that, like, if alkyl halide is secondary, if alkyl halide is secondary and you have a weak nucleophile, then possibility of getting product with SN1 mechanism. If you have a strong nucleophile, then possibility of getting product with SN2 mechanism. Guys, ये सारे छोटे छोटे conclusions आप निकाल कर रखिएगा, क्योंकि ये सब books में ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे. ये सब आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखते हो. जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, फिर स्लोली स्लोली ऐसे छोटे छोटे कंक्लूजंस आप ड्रॉ करके लिखोगे. ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिएगा. नाउ आई एम गिविंग यू लिटिल इजी क्वेश्चन. What are A and B? You can send the pictures on WhatsApp personally. Send me pictures. Very good, Sarvadnya. Guys, now in this particular question, if you see NaOH, that OH minus can act as a nucleophile as well as base. Can act as nucleophile as well as base. But if you see here, you have OH. So OH minus will not be replaced by OH minus. So this is not nucleophilic substitution. Here it will be acid base. Now question arises that H of this phenol is more acidic or this H of this alcohol is more acidic. So answer is phenolic H is more acidic than alcoholic H. As a result, NaOH will abstract H from phenol. So this is acid base reaction. Acid-base reaction. So the compound which you get, you can write salt means O-N-A and this side O-H as such. Right, this is A. Now you can see oxygen is having lone pair and negative charge. Right, salt, that is why you can write O minus Na plus. So O minus will act as a nucleophile. Here it is CH3Br. Even OH is having here lone pair, but this O minus is better nucleophile relative to this neutral OH. So as a result, this O minus will attack CH3Br and Br will be substituted here. So this will be SN2 reaction for us. So the final product, that is B, will be OCH3 here. Plus NaBr, if you want, you can write. This is B. Please comment. If you have any confusions, you please ask. So can you explain the last step for B reaction, means for the B product? Guys, CH3Br is alkyl halide. This is a nucleophile. So it will be a nucleophilic substitution. Br will be replaced by this big nucleophile. So just attach this O with CH3. So it is easy for us to write this part first and then CH3 connected to O. So I just wrote this B. Yes, sir. Thank you. Guys, these are the compounds given and reaction
takes place via SN1 mechanism, you have to choose the correct graph for log of rate versus these compounds. Yes. Okay. So we'll discuss now. देखिए बहुत आसान सा है. You can easily say order of SN1 reaction will be, order will be what? Correct order अगर मैं लिखता हूँ SN1 reaction के लिए, तो ये tertiary alkyl halide number one हो जाएगा. इसका carbocation सबसे ज्यादा stabilize करेगा. So 4 greater than 3 greater than 2 और ये लास्ट में मिथाइल हैलाइड आया, है ना, ये ऑर्डर है. तो फिर लॉग ऑफ जो रेट होगा उसका भी ऑर्डर यही रहने वाला है, यानी कि अगर 1 से 4 में जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर 4 के लिए हाईएस्ट दिखाना है, तो ए आपका परफेक्ट आंसर. यहीं पर अगर क्वेश्चन ये SN2 के लिए होता, अगर मैं SN2 लिख दूं पूरे उसमें फॉर SN2, then you will select option D as your correct answer. ये आपको copy कर लो, जिससे भी confusion हुआ. ये easy question था, मैंने दे दिया graph का था. Should I remove this screen? Yes, sir. अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन गाइस. CH3I रिएक्टेड विद दिस रिएजेंट. नाउ फॉर दीज रिएक्शंस रेट्स आर मेंशनड R1 R2 R3. यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑर्डर फॉर रेट्स फॉर दीज रिएक्शंस क्विक. शुड आई डिस्कस? Yes, guys, if you see this is alkyl halide methyl iodide and this is nucleophile. Nitrogen is carrying lone pair here, also nitrogen is carrying lone pair here, also nitrogen is carrying lone pair, right? So difference is only of nucleophiles. You have kept methyl iodide same for all these reactions, so order for rate will be found by finding the order for the nucleophilic strength of these nucleophiles, right? So for nucleophiles, what we do? Strength of the nucleophile. Guys, if you recall, जहां पर हमने स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किया होगा वहां पर हमने ये जनरली बोला होगा कि जब भी आपका एटम सेम है, अगर आपका एटम सेम है, न्यूक्लियोफिलिक जो साइट है वो सेम है, देन जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही आपका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का, राइट? तो यहां पर और बेसिक स्ट्रेंथ जनरली हम किसके बेसिस पर निकाल लेते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, राइट? अगर साइज का फैक्टर नहीं आता क्योंकि यहाँ एटम सेम है, तो सीधे सीधे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अगर हम चले जाएंगे तो आंसर परहैप्स आ जाएगा. जैसे अगर इन तीनों में देखोगे तो ये एक्चुअली एमाइंस वाले एग्जाम्पल है, और एमाइंस में क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इज अफेक्टेड बाय एमाइन इन्वर्जन. तो अगर एमाइन इन्वर्जन होता है, एमाइन इन्वर्जन अगर पॉसिबल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. एमाइन इन्वर्जन भी बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी. तो इन तीनों में से किस में एमाइन इन्वर्जन हो रहा है? इसमें. तो ये अपने लिए लीस्ट बेसिक या लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा. इन दोनों में एमाइन इन्वर्जन नहीं है, नो एमाइन इन्वर्जन, तो फिर नॉर्मल फैक्टर्स वर्क करेंगे. नॉर्मल फैक्टर्स मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो ये जो दूसरा नाइट्रोजन है ना,
ये इस पहले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, राइट। और यहाँ पर कोई दूसरा नाइट्रोजन नहीं है, आप यहाँ पर कार्बन कंसीडर करके इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप भी एल्काइल को कंसीडर कर सकते हैं। तो रिलेटिवली अगर जाएंगे सो ये आपके लिए मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, राइट। तो अगर ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तो फिर इसके लिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो हाइएस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर जो निकलेगा वो होगा आर टू ग्रेटर देन आर थ्री ग्रेटर देन आर वन, ये है करेक्ट ऑर्डर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क, एंड मेनी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। अमान ने सही आंसर दिया था, स्पंदन ने सही आंसर दे दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विल गिव सेम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स इन बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, and these are the options select. Write your answer in chat box guys. चलिए discussion कर लेते हैं। देखिए जो difference है SN1 SN2 का वो क्या है। SN2 reaction takes place, SN1 reaction takes place via carbocation. Carbocation. So whenever you get carbocation for stability, carbocation undergoes rearrangement. Rearrangement is possible. You can write. While SN2 reaction takes place in one step, no rearrangement. So you have to check the possibility of rearrangement. Like in the first case, if you remove this Br and you write carbocation, then you will realize that the carbocation is secondary. And if there is a 1, 2 hydride shift, 1, 2 hydride shift, possibility of getting a tertiary carbocation. So yes, here rearrangement takes place. You get product with respect to this carbocation as well as this carbocation. Here also the nucleophile will attack. Here also the nucleophile will attack. So you get more products. So this cannot be the answer. In this case, if you see C2H5 is actually CH3CH2 and it is CHClCH3. Here if you write carbocation, it will be this. Now this is secondary carbocation. Even if you carry out rearrangement, secondary will remain secondary. That is why no rearrangement in this case, and you get only one product by the attack of the nucleophile on this carbocation, this positively charged carbon. And in SN2 reaction also, the substitution will take place on the same carbon. That is why this is our answer. Now come to this third case. Here if you write carbocation, here also there is no chance of rearrangement. That is why this is our answer. In this case, if you write carbocation is a secondary carbocation. Of course, by 1, 2 hydride shift, the secondary carbocation will be converted into tertiary carbocation, which is more stable. That is why here rearrangement will occur. So you get more than one product in case of SN1 reaction. That is why this cannot be our answer. So two and three, these are the two alkyl halides which will give same product in both SN1 SN2 reaction. If any confusion, please ask. सर आपने बताया था कि SN2 रिएक्शन में अटैक हैपेंस फ्रॉम बैक साइड और SN1 में इट कैन हैपन फ्रॉम द बैक साइड और द फ्रंट साइड। तो SN1 में एनेंशियोमेरिज्म होगा ना, तो लाइक और एक प्रोडक्ट बनेगा ना इसमें SN1 में ना। हाँ तो एनेंशियोमेरिज्म होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरली देखोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। सर आप सेकंड वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हो?
सेकेंड वाले में बेटा जब भी तुम्हारा इसको स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन में लिखोगे कार्बन चेन CH3 CH2 CH3, तो व्हेन यू रिमूव Cl यू गेट अ कार्बोकेटायन विच इज सेकेंडरी। अगर यहाँ रीअरेंजमेंट कराते भी हो मतलब 1,2 हाइड्रेट, तो ये प्लस इसके ऊपर आ जाएगा, ये भी तो वही है, सेम ही तो कार्बोकेटायन है, कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, और सेकेंडरी ये भी है, कोई स्टेबिलिटी में भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ रीअरेंजमेंट का कोई स्कोप नहीं है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसी कार्बन पे अटैक करेगा SN1 के केस में, राइट, और SN2 में भी इसी कार्बन पे अटैक हो रहा है। सो दोनों SN1 SN2 में आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा सब्स्टिट्यूशन। ओके सर, समझ गया, थैंक यू। ओके, शुड आई रिमूव दिस स्क्रीन? सो वेट अ मिनट सर, इन द फोर्थ ऑप्शन देयर इज 1,2 मिथाइल शिप्रोन। 1,2 हाइड्राइड शिप, ओके ओके, यस यस सर, 1,2 हाइड्राइड शिप होगा तभी जो आपको टर्शरी कार्बोकेटायन मिलेगा बेटा। यस सर, यस सर। क्वेश्चन सेज लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर ड्यूरिंग अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन इज गिवन एज RLG प्लस न्यूक्लियोफाइल गिविंग RNU प्लस LG माइनस। फॉर लीविंग ग्रुप्स आर मेंशनड हियर 1, 2, 3, 4, सो जस्ट राइट द लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर फॉर दीज लीविंग ग्रुप्स। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। Guys, the leaving ability of different groups is decided by the basic nature and ionic character. Less basic implies better leaving group. Less basic implies better leaving. And how do we judge basic strength? That is negative charge density. Negative charge density. अगर न्यूट्रल हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज वाला लीविंग ग्रुप है तो फिर आपको उसका चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है। एंड डिस्पर्जन ऑफ चार्ज कैन बी बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, बाय इंडक्टिव इफेक्ट, आप जिससे भी उसका जो डिस्पर्जन है वो चेक कर सकते हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट। अभी देखो इसमें इसमें देखोगे तो ओ माइनस का रेजोनेंस हो रहा है, राइट, ये रेजोनेंस है। यहां पर भी देखोगे तो एक्चुअली में जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, राइट, यहां पर भी देखोगे तो रेजोनेंस है, यहां पर भी देखोगे तो रेजोनेंस है, राइट। थ्री केसेस ऐसे हैं जिसमें लोन पेयर के बाद ऑक्सीजन का जो रेजोनेंस के बाद जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो ऑक्सीजन पे ही जाता है, तीन ऐसे केसेस आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। इसका मतलब है कि ये रेजोनेंस इस टू के रेजोनेंस से तो बेटर है, राइट, इसका मतलब है कि टू लीस्ट हो जाएगा अगर आप लीविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। अब आते हैं 1, 3 और 4 में, तो 3 और 4 ऐसे केसेज है जिसमें ओ का जो रेजोनेंस है वो दो ऐसे एस डबल बॉन्डो के साथ आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक ही सी डबल बॉन्डो के साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 और 4 और सल्फर का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट करता है, तो 3 और 4 का जो डिस्पर्शन है निगेटिव चार्ज का वो मच बेटर देन फर्स्ट। इसका मतलब है कि फर्स्ट फिर यहां पर आएगा, राइट। अब बिटवीन 3 एंड 4 अगर आप देखोगे तो 3 जो है उसमें CF3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप फर्दर डिस्पर्जन विल अकर, सो इन थर्ड केस द डिस्पर्जन ऑफ ओ माइनस निगेटिव चार्ज इज मैक्सिमम, दैट इज व्हाई दिस इज अमंग दीज 4 बेस्ट लिविंग ग्रुप
So I will write order as 3 greater than 4 greater than 1 greater than 2. Any doubts? तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको आप डाउट्स की लिस्ट जरूर प्रिपेयर करके रखिएगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास डाउट्स नहीं होंगे. उसके बाद मैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा. ऑन द स्पॉट आपको सब मिलेगा. ओके सर. चलिए.